बीते शुक्रवार को आईआरडीटी सभागार देहरादून में अमर उजाला और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम वीरता पुरस्कार 2023 में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों, पूर्व सैनिकों और उत्कृष्ट कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने गौरवशाली वीर शहीद सेनानियों और उनके परिवारजनों का सम्मान किया। ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है। जिन वीर योद्धाओं ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, ऐसे वीर सपूतों के बलिदान को याद करना हमारा कर्तव्य है। सेना से जुड़ा हर एक जवान और उसके पारिवारिक जन मेरे ही परिवार का एक हिस्सा हैं। भारत के लोगों के दिल में हर एक सैनिक और सैनिक के परिवार जनों के प्रति एक सम्मान का भाव होता है। इन शहीदों के परिजनों की देखभाल करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय का भ्रमण कर पुलिस के अधिकारियों से विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान गढ़वाल परिक्षेत्र कार्यालय, उत्तराखंड पुलिस पेंशनर्स कार्यालय, प्रशिक्षण शाखा और यातायात निदेशालय कार्यालय का भी भ्रमण किया। इमरजेंसी सेवा डायल 112 के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम रूम का भी भ्रमण किया, जहां डीजीपी अशोक कुमार जी ने कंट्रोल रूम की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। डायल 112 के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान जिस तरह से पुलिस द्वारा किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ड्रोन से की जा रही प्रदेश भर की मॉनिटरिंग फीट को देखकर यातायात प्रबंधन में उपयोग की जा रही तकनीक और विषम परिस्थितियों में भी यातायात ड्यूटी में नियुक्त पुलिस कर्मियों की मैं विशेष प्रशंसा करता हूं। वर्तमान में पुलिस के कार्यों में जिस प्रकार टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है वो प्रशंसनीय है। अच्छे रिजल्ट के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और त्वरित रिस्पॉन्स आवश्यक है। पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने मित्रता, सेवा और सुरक्षा के रूप में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। पुलिसिंग एक सेवा का कार्य है और जिस निष्ठा और मेहनत से हमारे पुलिस के जवान और अधिकारी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। उत्तराखंड पुलिस मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। मुझे उम्मीद है भविष्य में हमारी पुलिस और बेहतरीन तरीके से कार्य करेगी। जय हिंद। जय हिंद। आज सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जिस परिवार में, जिस समाज में सेवा, बलिदान, वीरता, प्रक्रम और वीरता की पूजा होती है, अर्चना होती है, अप्रिसिएशन होता है, उनको आभार प्रकट किया जाता है, उस समाज को, उस राष्ट्र को कोई भी हरा नहीं सकता है। आज जो कार्य हम कर रहे हैं सब इकट्ठे मिलकर, हम अपने सैनिकों को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनके परिवार को जो आभार, प्रशंसा और धन्यवाद इस सोच विचार से दे रहे हैं, अपने आप में एक बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीरता पुरस्कार सम्मान समारोह है, जो माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम है, और आज इतना सुंदर लगा कि हमारी बेटियों ने जो शुरू में गणेश जी की वंदना की, हमारी संस्कृति कितनी महान है। यू गेट इट फील फॉर योरसेल्फ कि हम किस परिवार, किस सभ्यता, किस संस्कृति और किस इतिहास से आते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू। और जब ऐसी संस्था, जब ऐसे पत्रकारिता जो अमर है, जो उजाला है, जो प्रकाश फैलाती है, और मुझे आज बहुत खुशी है कि अमर उजाला के इस कार्यक्रम के अंदर में जो सेंचुरियन ने अपना हाथ लगाया है, अपना साथ दिया है, अपने आप में इस सोच विचार को और प्रबल किया है। सच कहूं तो जो प्राची कांडपाल जी इतने सुंदर शब्दों से अपनी भावना, प्रेरणा व्यक्त कर रही थी, वो कह रही थी कि मेरे दो भाई हैं, अपने दो भाइयों का जिक्र कर रही थी। मैं तो कहूंगा कि आज से प्राची जी, आप दो नहीं, तीन भाइयों का जिक्र किए थे। तीसरा हरेक भारतीय सैनिक आपका भाई है। ये सैनिक हर भारतीय का पुत्र और भाई है। जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो वर्ड सोल्जर है, ये सोल्जर वर्ड क्या है, ये वर्ड SOLD से क्यों शुरू होता है, सोल्ड, क्योंकि उसने अपने आप को अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, हरेक जन के लिए अपने आप को सोल्ड कर दिया है। उसने अपने बदन को, अपने समय को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी प्राथमिकता को
He gives that priority कि उसको नशा आता है, उसको एक पैशन है, लगन है, निष्ठा है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूं. That's why he enjoys the supreme sacrifice, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एकदम तैयार रहता है. यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर में यू गिव योर लाइफ. बाकी हर एक प्रोफेशन के अंदर में यू गिव प्रॉफिट और यू गिव गेन और ना विकास या कुछ भी करते हैं, लेकिन इसमें अपने राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए यू गिव योर लाइफ. और मुझे बहुत खुशी हुई जो प्राची जी ने शुरू शुरू में अपने उस वाक्य में कहा कि वीर नारी कभी विधवा नहीं होती है. इनफैक्ट वीर नारी हमको हर वक्त वीरता का पाठ पढ़ाती रहती है कि उन्होंने और उनके पति ने भारत के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया है. उत्तराखंड में तो ऐसे हम कहते हैं सैन्य बहुल्य, सैन्य भूमि. यहां पर तो जब अमर उजाला और सेंचुरियन इकट्ठे मिलकर इस वीरता की पूजा अर्चना अरदास प्रेयर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो आई थिंक This is an excellent example of samaj and society. My compliments to both of you. मैं से बैठे-बैठे सोच रहा था ये जो इंग्लिश का वर्ड है सेंचुरियन, इसमें यू आर भी है, मतलब आप भी हैं, इसमें आई भी है और इसमें ऑन भी है. और अमर उजाला की तो दोनों शब्दों में इतनी गहराई है, जो उजाला, प्रकाश, जागृति जो समाज को देता है अपने आप में अलग है. अवश्य ही ऐसी जब ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी मिल जाती हैं तो वो राष्ट्र, समाज और हर जनहित के अंदर में एक अलग ही हौसला और अलग ही एक क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म को जन्म देती है. माई कॉम्प्लीमेंट्स टू बोथ ऑफ यू. आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पुलिस को, हमारे पुलिस के अहदेदारों को, सैनिकों को आज सम्मानित किया गया है. सच कहूं तो उत्तराखंड की पुलिस अपने आप में बिल्कुल अलग है. मैंने बहुत करीब से देखा है काफी पुलिस को, 10-12 साल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को देखा है, असम की पुलिस को बहुत करीब से देखा है और बचपन से पंजाब पुलिस को देखा है. लेकिन जो उत्तराखंड की पुलिस है उनका जो कार्यशाली है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है. मैं हाल ही में गृह मंत्री जी से मिला था तो मैंने उनको कहा कि उत्तराखंड की जो पुलिस है, जो कार्य करती हैं, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है. इस क्षण 37 लाख यात्री, श्रद्धालु ऑलरेडी चार धाम की यात्रा कर चुके हैं और मुझे लगता है कि इस साल 60-70 लाख का मापदंड होगा. कुछ ही दिन के अंदर में 4,07,00,000 श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए आए, न जाने कितने टूरिस्ट आते हैं. ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उत्तराखंड पुलिस बहुत ही सुंदर तरीके से निभाती है. कुंभ का जब मेला होता है, मैं तो कहता हूं कि जो उत्तराखंड की पुलिस करती है वो भारत में और कोई पुलिस नहीं कर सकती है. पुलिस का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो सेंसिटिविटी है, जो ऐसे सब कार्यों के लिए है, अपने आप में एक अलग ही स्टैंडर्ड है. आई पर्सनली एज ए गवर्नर आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी. और मैंने गृह मंत्री जी को पिछली बार भी और इस बार भी एक रिक्वेस्ट की थी कि 3 मुद्दे हैं पुलिस के लिए. पहला है मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग टू उत्तराखंड, और इसलिए जरूरी है कि हमारी पुलिस भी उसी स्टैंडर्ड से 21st सेंचुरी, तीसरा दशक और उस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में जाए. दूसरा जो साइबर चैलेंजेस हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आ रही हैं, और मुझे इस चीज का गर्व है कि हमारे डीजीपी साहब ने, इतनी पुलिसें हैं पूरे भारत के अंदर में लेकिन सिर्फ एक उत्तराखंड की पुलिस है जिसके डीजीपी ने खुद साइबर के ऊपर में एक किताब लिखी है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस साइबर के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है. तीसरा, दिल के अंदर ही एक अरमान है, एक इच्छा है, एक डिजायर है, जिसके बारे में मैंने टॉप लीडरशिप से बात की है कि हमको नरेंद्र नगर पुलिस ट्रेनिंग और हर एक पुलिसमैन की ट्रेनिंग के ऊपर में एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी करना पड़ेगा.
मुझे पक्का है कि इन तीनों ही विषय के ऊपर में भारत सरकार नेसेसरी फंड एलोकेशन और बजट हमको देगी। और मुझे इस बात का एक आई एम प्राउड कि जो उत्तराखंड पुलिस का हर एक जवान हर एक अहदेदार है उनकी प्रोफेशनलिज्म इज ऑफ डिफरेंट टाइप। और मैंने तो पुलिसिंग सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, इसी को मैं अध्ययन करने के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद भी गया था कि हम कहां पर वेयर डू वी स्टैंड। जो भी डीजीपी साहब ने मापदंडों के दर के ऊपर हमको कहा तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो कन्विक्शन रेट है उत्तराखंड पुलिस का वो पूरे देश में सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर में है। लेट्स क्लैप फॉर देम। आज सचमुच आप सबके साथ इस समारोह में पार्टिसिपेट करके एक अत्यंत प्रसन्नता हुई है, एक गर्व की अनुभूति हुई है। इनफैक्ट मेरे को आज एक बात की बहुत खुशी है, ये जो सेंचुरियन की टीम है एक अलग ऊर्जा है आपके अंदर में, एक अलग एनर्जी है। और हमारी बेटियां आई थिंक दे आर ए बिग नंबर। और मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ, जो सबसे बड़ी क्रांति उत्तराखंड में आएगी वो हमारी महिला, हमारी बेटियां और हमारे युवा वो लेकर आएंगे। लेट्स क्लैप फॉर आवर बेटियां, महिला एंड युवा, क्यों मुझे पूर्ण विश्वास है एज ए चांसलर मैं जब यूनिवर्सिटीज में जाता हूं वहां पर जो अवार्ड मिलते हैं, गोल्ड मेडल मिलते हैं और जो पीएचडी मिलते हैं 60-70% गोज टू हमारी बेटियों को। मैं देख रहा था कि हर एक क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो नृत्य है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे जो भी कार्य है उसके अंदर में हमारी महिला और हमारी बेटियां और हमारे युवा सबसे आगे हैं। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ देम। और ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वी शुड कीप मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग एंड उनको शाबाश देते रहना चाहिए। तो इसी कड़ी के अंदर में जो अमर उजाला ने और सेंचुरियन ने इकट्ठा होकर आज जो शाबाशी का समारोह किया है, माय डीप कॉम्प्लीमेंट टू यू। जिस समाज के अंदर में ऐसी संस्था होती है वो समाज, वो राष्ट्र अपने आप में प्रगति और एक शक्ति और उनकी गति भी एकदम अलग होती है। नोबडी कैन स्टॉप उत्तराखंड फ्रॉम बीइंग एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव एंड सर्वश्रेष्ठ इन द टाइम्स टू कम। एक बहुत ही अच्छी वैल्यू है कि कोई भी परिवार इकट्ठा होकर अपने जो अचीवर्स हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उनकी पीठ थपथपाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्य करने से वी आर क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ अचीवर्स, हीरोज, हीरोइंस, आइकॉन्स एंड ब्रांड एम्बेसिडर। जिनको भी आज अवार्ड मिला है, आपकी आज से एक अलग जिम्मेवारी हो गई है। एवरीवन इन द सोसाइटी इज गोइंग टू लुक अप टू यू कि आप अचीवर हैं, आपके परिवार ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने, आपने ये कार्य किया है। आप हमारा गर्व हैं, यू आर आर प्राइड। हम सब ने, पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आपको सम्मानित किया है। और ये उस आशा से, आकांक्षा से, उस एस्पिरेशन से किया है कि यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज और राष्ट्र का फ्यूचर होने वाले हैं। हमारे राष्ट्र के बहुत सपने हैं, बहुत संकल्प है। एक बात पक्की है कि हमारा जो लक्ष्य 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे उसमें बिल्कुल क्लियर है कि वी आर गोइंग टू बी विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत। हम लोग, हमारी जो असली जगह है पूरे विश्व के अंदर में वो विश्व गुरु की है। एंड नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग विश्व गुरु इस ह्यूमन रिसोर्स के साथ। और जिनको आज अवार्ड मिला है, जो कार्य आपने, आपके परिवार ने, आपके पति ने, आपके सैनिक ने, आपके पुलिसमैन ने जो कार्य किया है समाज और राष्ट्र के लिए, आप सब हमारे लिए उदाहरण हैं।